वेरी गुड इवनिंग टू। देखिएगा ये तो नेक्स्ट है हमारी सुनने को, जो ऑनलाइन जो हमारी वीडियो आई थी उसमें थोड़ा सा साउंड की प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट संडे को जो हम वीडियो डालेंगे उसमें साउंड की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो आपका नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है जो बुद्धा का भी लेसन, बुद्धा का जो क्वेश्चन आपका सरमन वाला, उसके अंदर से ही आपका क्वेश्चन है यही माइडियर आपको करना है, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है और क्वेश्चन करने की। इसके अंदर वह जो गीसा गौतमी है, हु वाज गीसा गौतमी, सबसे पहले उसको कौन थी वो, एंड हाउ डिड बुद्धा चेंज गीसा गौतमी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ। भाई कैसे जो बुद्धा है वो उसकी लाइफ को, यानी कि हाउ कैसे बुद्धा चेंज बदल देता है गीसा गौतमी की अंडरस्टैंडिंग, समझ को लाइफ एंड डेथ के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग होती है वो समझा देता है बुद्धा। तो आप देखिएगा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आपको रिवाइज करने की जरूरत है, आप अपनी नोटबुक में राइट करने के बाद एक बार आपको देखने की जरूरत, उसके बाद दोबारा देखने की जरूरत है। टेंथ क्लास के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेंथ क्लास एग्जाम, यानी कि टेंथ क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं नेक्स्ट बुक से करवाए हैं, फर्स्ट ईयर फर्स्ट फ्लाइट से करवा रहा हूँ, तो फोर मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, तो इन्हीं इसके इनसे बाहर नहीं आया क्वेश्चन। लेट स्टार्ट दिस क्वेश्चन। हु वाज गीसा गौतमी, गीसा गौतमी वाज अ यंग वुमन, एक जवान औरत होती है गीसा गौतमी, यानी कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। बाकी इसका आगे चांस और इसके आगे यहाँ पे कुछ भी आ सकता है वो मेंशन करना होता है, अगर ये नहीं आया तो यहाँ पे इतना आप कट कर सकते हो, बाकी स्टार्ट हो ही रहेगा। सी हैड ओनली सन, सी हैड ओनली सन एंड ही डाइड, उसका एक ही पुत्र था, वही क्या हो जाता है, मर जाता है। सी टुक, ले जाती है, टुक सी वह, टुक का मतलब ले जाना हर, अपने डैड मरे हुए बेटे यानी कि बच्चे को, टुक ऑल हर नाइबर्स क्योर हिम, सभी के पास ले जाती है उसकी केयर करने के लिए, सभी के पास ले जाती है, तो नाइबर के पास भी। एक मैन होता है वहाँ पे, ए मैन टोल्ड, एक आदमी उसको बताता है, टोल्ड का मतलब बताना होता है हर उसको, टू गो टू द बुद्धा, कहाँ पे जाना चाहिए आपको, बुद्धा के पास जाना चाहिए। उसके बाद में ही वुड्स क्योर हर सन, वही करेंगे, यानी कि वुड का सेंटेंस मैंने मोडल्स में करवाया है, वुड का जो ज़्यादातर क्वेश्चन होता है वो फ्यूचर में जाता है करेगा। किस्सा वेंट टू द बुद्धा, वो वेंट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, ले गया किसे, वो ले गई बुद्धा के पास। सी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना की, रिक्वेस्टेड प्रार्थना की ही मुझसे, टू क्योर हर सन, उसके बच्चे को जीवित कर दिया, क्योर कर। एट दिस यही बुद्धा एडवाइस देता है हर, टू ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम ए हाउस वेयर, जहाँ नो वन डैड डाइड। बुद्धा उसको कहता है कि आप ऐसे घर में जाओ, वहाँ से मस्टर्ड यानी कि सरसों का बीज लेके आओ, जिस घर के अंदर किसी की मृत्यु नहीं हुई, वहाँ पे जाने के लिए। लेकिन किसा वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर घर जाती है, डोर टू डोर लगा सकते हो आप, हाउस टू हाउस भी लगा सकते हो, हर जगह जाती है। बट किंतु बी यूटी बट किंतु सी डिड नॉट फाइंड एनी हाउस वेयर नोबडी डाइड, ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ पे कोई मरा था। सीधी सी बात है, बिल्कुल फंटेस्टिक बात है। बुद्धा वांटेड चाहता था टू मेक बनाना ये किस्सा गौतमी रियलाइज, महसूस करवाना चाहता था रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ, भी क्या रियलिटी है लाइफ और डेथ की, एंड ही मेड हर अंडरस्टैंड द डेथ इज इनविटेबल। इनविटेबल का मतलब होता है अटल, भाई होना निश्चित है, यानी कि लिविंग थिंग सून डाइज, कहने का तात्पर्य जिस चीज की डेट रखी गई है ना डियर, उसकी मौत निश्चित है, ये मानकर जिस दिन बन गया इसके बाद इसका पता है कि कब इसकी डेथ होनी निश्चित है। मैं हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मेरी भी निश्चित है मौत कब होनी है, ऐसे ही बुद्धा ने बिल्कुल गौतमी को सिखा देता है कैसे क्या समझ होती है उनकी। बहुत अच्छा चैप्टर है ये आपका टेंथ क्लास में, और ये जो नेक्स्ट आपकी जो वीडियो है इसको कंप्लीट करना, और संडे का जो हमारा ऑनलाइन क्लासेस है उसके लिए एक बार फिर मैं समझ चाहता हूँ आप सभी व्यूअर्स से, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और किसा गौतमी को बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।